अगर मुझे तुरंत रिहा नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी। केजरीवाल ने बयान देकर याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इसे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी। ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनावों के बीच ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। ईडी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने खुद का इस्तेमाल होने दिया जिससे कि न सिर्फ चुनाव के बीच राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई। याचिका में कहा गया कि अगर केजरीवाल को आगामी चुनावी मैदान में भाग लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो सत्ताधारी पार्टी की ओर से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुखों की गिरफ्तारी की मिसाल होगी जिससे हमारे संविधान के मूल सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहा? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।